रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मियों की पत्नियों का हल्ला बोल। भारत सरकार मुर्दाबाद। पतियों के अधिकार के लिए पत्नियों ने लिया मैदान। कोई सुविधा नहीं है, उनका फोन ले लिया गया है, हम इस वजह से यहाँ आए। पत्नियाँ बोली 72 घंटों तक पति से कराया जाता है काम। जैसे कि पहला दिक्कत इनको है कि हेडक्वार्टर वापसी 36 घंटे के अंदर नहीं हो रही है। मोबाइल पर नहीं होती बात, पर्सनल लाइफ का सत्यानाश। फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है आदमी, और सोशल लाइफ पर्सनल लाइफ सब डिस्टर्ब हो रही है ज्यादा लंबे समय तक। भारत सरकार मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही बंद करो। जी हाँ, हाथ बैनर लिए भारत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही ये महिलाएं रेलवे कर्मियों की पत्नियां हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा ये महिलाएं रेलवे से खफा हैं। इन महिलाओं ने रेलवे पर सीधा इल्जाम लगाते हुए अपने पतियों के हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं का कहना है कि रेलवे उनके पतियों को कम सैलरी पर 72 घंटे लगातार ड्यूटी करवाता है और फोन पर बात भी नहीं करने देता, जिसके चलते उनके पति घर नहीं आ पाते, जिसके चलते उनकी सोशल और पर्सनल लाइफ दोनों खराब हो रही है। क्योंकि जो है फ्यूचर बच्चों का डिपेंड करता है कि इतनी सैलरी नहीं है कि उतनी सैलरी में हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अपना मकान बना सके या फिर अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो बेसिक नीड्स को भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी हो जाए, क्योंकि जो लोग मतलब सेपरेट रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ हैं, बीमार हैं, लेडीज़ हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, घर का राशन नहीं ला सकती, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए इस मामले को कोई सुविधा नहीं है, उनका फ़ोन ले लिया गया है, हम इस वजह से यहाँ आए। हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम कैसे बात करेंगे आप बताइए। ऐसी सरकार ऐसे करेगी हमारे पतियों के साथ तो हम कैसे घर चलाएंगे बताइए। अगर कहीं कुछ बीमारी होती है, कुछ भी होता है, हमारे घर में कोई दुर्घटना होती है, कैसे उनको जानकारी देंगे। इस वजह से इससे दिक्कत है भाई, निकाला जाए इसके लिए। उन्हें फालतू की सिम दी गई है, कोई मोबाइल नहीं दिया गया है, तो कैसे चलाएंगे। दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पहला दिक्कत इनको है कि हेडक्वार्टर वापसी 36 घंटे के अंदर नहीं हो रही है इनकी, और सबसे बड़ी बात अभी आ रही है स्पैड के कारण, बस स्पैड हो रहा है और उनकी नौकरी चली जा रही है। ये सबसे बड़ी, इतना आप सरकार के लिए कर रहे हो, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, बस एक जरा सा आप लाल सिग्नल पास किए और आपकी नौकरी चली गई। दूसरा चीज़ है कि आप इसके कारण आप क्या कर रहे हो, मोबाइल बंद कर दे रहे हो। जब आप मोबाइल बंद कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि आप ये नहीं कर रहे हो, सुनिश्चित कर रहे हो कि आपका मतलब स्पैड ना हो, आप ये कर रहे हो कि अब उनके दिमागी टेंशन हो जाती है कि अब परिवार वालों से बात करने नहीं दे रहे हो, तो वो इस पर क्या ध्यान दे पाएंगे। क्वार्टर वापसी होनी चाहिए, बहुत लॉन्ग टाइम तक की ड्यूटी आप लोग देते हैं, 3-3 दिन का ड्यूटी शेड्यूल दे रहे हैं। 3 दिन के ड्यूटी शेड्यूल में आदमी कैसे फर्स्टेट हो जाता है ड्यूटी करते करते, उसको परफेक्ट रेस्ट मिलना चाहिए। सोशल लाइफ पर्सनल लाइफ सब डिस्टर्ब हो रही है ज़्यादा लंबे समय तक की ड्यूटी होने की वजह से। 16 घंटे की बुकिंग आप 14 घंटे में कर रहे हैं, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है आदमी, और एक फर्स्ट एड इंसान क्या परफेक्ट ड्यूटी कर पाएगा। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मी रेलवे पर दबाव बनाने के लिए पत्नियों को आगे कर रहे हैं ताकि रेलवे दबाव में आए और उनके साथ कुछ रियायत करे। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।